हेलो एंड वेलकम बैक टू मे यूट्यूब चैनल और अगर आपके बाल फ्रीज़ी हैं ड्राई हैं, रफ़ हैं डल हैं और अगर आपके बालों में डेंड्रफ है तो मैं लाई हूँ बहुत ही ईजी टू इंग्रेडिएंट्स हेयर मास्क जो आपने वीक में सिर्फ एक दफ़ा अप्लाई करना है और आपको इतने कमाल के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं बहुत ही सिल्की स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा डेंडर फ्री बाल हो जाएंगे आपके बहुत ही प्यारे और सिर्फ जस्ट टू इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ही आपको इजीली अवेलेबल होंगे और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इनफैक्ट इसके बेनिफिट्स ही आपको मिलने वाले हैं सो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम सो अपने पहले एक क्रिस्टल बॉल लेना है कोई भी आप बॉल ले लें छोटा सा ठीक है अब आपने ये क्वांटिटी आपने हेयर अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग लेनी है ठीक है सो आपने पहला इंग्रेडिएंट लेना है वो है जी एलोवेरा ओके okay, आप मार्केट बेस भी ले सकते हैं और आप प्लांट uh, बेस भी ले सकते हैं ठीक है सो ऑफ कोर्स आई सजेस्ट कि आप एक नेचुरल इंग्रेडिएंट लें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं बट आप मार्केट बेस भी ले सकते हैं अब प्लांट बेस जो एलोवेरा उसको अपने ऐसे एडजस्ट कट कर लेने हैं ठीक है थीके? और जो अपर थिन लेयर है उसको आपने इस तरह रिमूव कर देना है और ये एक बहुत ही ईजीएसट वे है एक इंस्टेंट जेल लेने का एलोवेरा की बहुत इस तरह के लंबे बहुत प्रोसेस होते हैं एलोवेरा का जेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोसीजर होता है एक लंबा बट मैं हमेशा ये शॉर्टकट यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत इफेक्टिव लगता है इस तरह अपर लेयर रिमूव कर दी और आपको ये जेल पार्ट जब दिखेगा तो आपने नाइफ़ के अच्छेस को इस तरह स्क्रैच करना शुरू कर देना है और आपको जेल इस तरह मिलना शुरू हो जाएगी अब अब आपने जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करेगी आपकी लेंथ पर अगर आपकी हेयर लेंथ शॉर्ट है तो एक स्पून चल जाएगा अगर आपकी हेयर लेंथ मिड है मीडियम है तो आप आ, आ, वन एंड अ हाफ स्पून टू स्पून भी कर सकते हैं और अगर आपके बाल लंबे हैं तो अगेन उसके अकॉर्डिंग फिर आप वो इंक्रीज़ करते जब स्पून ठीक है सो मैंने लिया है ऑलमोस्ट वन एंड अ हाफ स्पून ठीक है और इस तरह स्क्रैच करेंगे तो आपको इजीली एक स्मूद जेल मिल जाएगी एलोवेरा की ठीक है सो इट इज़ दी मोस्ट इफेक्टिव शॉर्टकट टू गेट एलोवेरा जल सो so, ये है जी पहला इन्ग्रीडियंट और आपको पता है एलोवेरा इंतहा का इफेक्टिव है बहुत ही ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं आपके बालों को सिल्की स्मूथ इसकी आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है स्प्लीट्स फ्रीजी हेयर डल हेयर रफ हेयर एलोवेरा एक सिंगल हैंडेडली सब इन सब चीज़ों को रिजॉल्व कर सकता है इन सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है डेंड्रफ के इशू के लिए बहुत अच्छा है लेकिन जो सेकेंड इन्ग्रीडियंट आ रहा है घी जो है वो आपके बालों को नरिश करेगा डीपली ठीक है आपके बालों को सिल्की स्मूथ शाइनी कर देगा और आपके डेंड्रफ का जो इशू है उसको तो लाजमी रिजॉल्व करेगा आप कोई सा भी घी ले सकते हैं ठीक है देसी घी हो तो बात ही अलग होगी लेकिन आ, एक और चीज़ आपने सोच रहे हो कि मैंने घी को गर्म क्यों नहीं किया घी को इसलिए गर्म नहीं कर रहे क्योंकि जो एलोवेरा है अगर वो मार्केट बेस है तब भी और अगर वो प्लांट बेस है तब भी आ, वो रिएक्ट कर सकता है अगर ऑयल अगर जो घी है वो हम गर्म करके डालेंगे तो इसलिए आ, मैंने सॉलिड फॉर्म में डाला है और प्रॉपरली इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स स्टिल कहीं ना कहीं लम्ब्स रह जाएंगे तो कोई इशू नहीं है आप उसको हाथ में लेंगे तो फिर उसको आप अच्छी तरह ब्लेंड कर लें एलोवेरा और जो घी है ठीक कि आपके हाथों में ही वो थोड़ा पे गलना शुरू हो जाएगा और फिर आप वो अपने बालों के स्कैल पे लगाएं और प्रॉपरली पूरा मास्क लगाएं अपने रूट्स तक लगाएं और जो स्प्लिट एंड्स हैं वहाँ पे भी लगाएं पूरे बालों पे आपके बालों पे ये कमाल का कंडीशनर का वर्क करेगा और ये पूरे अपने बालों को जो है ना वो डीप नरिश कर देगा ठीक है और डेंडरफ का इशू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अपने बालों को बहुत ज़्यादा फ्रिज फ्री कर देगा अगर आप अच्छे से इसको फेंटेंगे ना अच्छे से मिक्स करेंगे तो घी वहीं पर ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो मतलब एलोवेरा के साथ ही वो हीट प्रोड्यूस करेगा और वहीं पर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा सो इस तरह का इसकी फाइनल लुक आ जाएगी ठीक है ऐसे क्योंकि जो एलोवेरा जेल निकाला है वो भी हमने एक रॉ निकाला हुआ है उसको भी हमने प्रोसेस नहीं किया हुआ है इसलिए उसके भी लम्स होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगेन मार्केट बेस भी लें एलोवेरा कोई इशू नहीं है तो इसलिए ये इसकी फाइनल लुक आएगी और आप हम जब हाथ में लेंगे तो ये घी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और एलोवेरा के साथ मिक्स हो जाएगा और आप इजीली इसको पूरे बालों पे लगा दें और आप इसको हाफ़ एन आवर आधे घंटे के बाद इसको धोएंगे तो आपका जो रिज़ल्ट आने वाला है बिलीव में आप ये ट्राई करें अपना रिज़ल्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सो so, ये था आज का डी वाई फॉर सिल्की ग्लोसी टेंडर फ्री हेयर सो ये था आज का डी वाई फॉर सब्सक्राइब फॉर मोर डी आई लाइक दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो